नमस्कार दोस्तों, मैं दिल्ली से शुभम स्वागत करता हूँ आप सभी का इस नई वीडियो में। जैसे कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऑनलाइन सिम कार्ड कैसे मंगाएं। आजकल सभी लोग चाहते हैं कि घर बैठे सब कुछ हो जाए, तो सब कुछ तो नहीं, सिम कार्ड ऑनलाइन कैसे मंगाएंगे 2 घंटे में फ्री डिलीवरी। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके हमारी मेहनत को सफल करें। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि ऑनलाइन सिम कार्ड कैसे मंगाते हैं। ये होता है ना कि मतलब हमें कहीं जाने का मन नहीं करता, हम सोचते हैं सब कुछ घर बैठे हो जाए, तो सब कुछ तो नहीं, सिम कार्ड कैसे मंगाते हैं घर बैठे वो बताऊंगा आज मैं। तो इसके लिए हमें एक वेबसाइट की ज़रूरत पड़ेगी जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी उसकी लिंक, और उसका नाम है वैसे 10 Digi। आप गूगल क्रोम या कोई भी ब्राउज़र पे सर्च मारोगे 10 Digi तो वो आपकी वेबसाइट खुल के आ जाएगी आपके सामने। और ये ऐप प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें ये फ़ायदा होता है कि आप 2 घंटे के अंदर मतलब सिम घर बैठे मंगा सकते हो कोई भी कंपनी का। तो चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर और आपको दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे सिम कार्ड ऑनलाइन ऑर्डर किया जाता है। तो चलते हैं ब्राउज़र में, जो आपके पास जो ब्राउज़र हो, क्रोम ब्राउज़र हो या फ़ोन का ब्राउज़र हो। तो मैं अभी क्रोम में जाता हूँ। तो यहाँ पे हमें सर्च करना है 10 Digi, जैसे मैंने पहले से सर्च कर रखा है। तो सबसे पहला वेबसाइट आप देख सकते हैं ये वाला, इस पर क्लिक करना है। तो ये हमारी वेबसाइट खुल गई। तो हम कहाँ से हैं, दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद, नोएडा, जहाँ से भी। जैसे मैं दिल्ली से हूँ तो मैं दिल्ली से कर देता हूँ। तो देख सकते हैं ये खुल गया है। तो इसमें देखो फ्री सिम डिलीवरी इन 2 आवर, 2 घंटे के अंदर सिम डिलीवरी हो जाएगी। तो अब हमें कैसा चाहिए, हमें प्रीपेड नंबर ख़रीदना है या पोस्ट पेड नंबर ख़रीदना है या नंबर को पोर्ट कराना है। हमारे पास कोई नंबर है जो मान लो कि चलो किसी दूसरे कंपनी का है, हम उसे किसी दूसरे कंपनी में मतलब लेना चाहते हैं, पोर्ट कराना चाहते हैं, तो वो यहाँ से होगा पोर्ट नंबर पे क्लिक करके। तो इसमें एक फ़ायदा है ना हमें, कि हमें सिम का पैसा नहीं देना पड़ता, हमें रिचार्ज का पैसा देना पड़ता है। देख सकते हैं आप इसमें जितने भी सिम कार्ड्स है, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, BSNL, ये सब मिल जाएगी आपको अगर आप पोस्ट पेड कराओगे तो। और आपको मैं दूसरी तरफ दिखाता हूँ, ये है आपका फैंसी नंबर, 99 रुपये से शुरू है। ये बहुत महंगे महंगे नंबर होते हैं बट अच्छे होते हैं, ऐसी बात तो नहीं है। देख सकते हैं BSNL के नंबर है, आप जो नंबर लेना चाहते हैं वहाँ सर्च कर सकते हैं। तो ये देख रहे हो 3-3 हज़ार के नंबर है, क्या फ़ायदा इतना महंगा नंबर लेके। ये वोडाफोन का नंबर है, ये तो सस्ता है। फिर भी मैं तो कहूँगा आप अगर न्यू नंबर लेना चाहते हो तो न्यू नंबर ले लो, और अगर आपके पास पुराना नंबर है तो उसे पोर्ट करा लो। फैंसी नंबर तो महंगा है, जिसको लेना है फैंसी नंबर ले सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं आपको चलो एक प्रीपेड सिम कार्ड, न्यू सिम कार्ड कैसे लेते हैं वो दिखाता हूँ। तो अब ये मेरे से पूछ रहा है आपको एयरटेल की लेनी है, जियो की लेनी है, वोडाफोन की लेनी है, आइडिया की लेनी है, BSNL की लेनी है। ठीक है, तो मान के चलो मैं जियो की ले लेता हूँ। सबका प्रोसेस ऐसा ही है, अगर मैं जियो पे भी एयरटेल पे भी क्लिक करता हूँ तो सबका प्रोसेस ऐसा ही है। ये सबकी प्राइस आ गई, कितने में कौन सा प्लान मिलेगा, और जो आपको अच्छा लगता है, सिम सस्ती मिल रही है वो आप ले लो अपने बजट के अनुसार, जैसा आपको अच्छा लगता है। तो जैसे मैं जियो की सिम, मुझे ये वाला सही लग रहा है, 149 रुपये में। डिलीवरी फ़ीस 50 रुपये बताया है, वैसे 50 रुपये डिलीवरी फ़ीस लगता नहीं है, बट इस वाले ऑफ़र 149 पर डिलीवरी फ़ीस 50 रुपये लग रहा है। और उसी के नीचे आप 199 वाले को कर दे तो फ्री डिलीवरी है। देख सकते हैं आप इसमें भी फ्री डिलीवरी है, इसमें भी फ्री डिलीवरी है, वो थोड़ा सस्ता है इसलिए मेरे अंदाज से ऐसा कुछ महंगा है। तो इसलिए आप, मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये वाली लो, 1.5 GB डाटा मिलेगा आपको और 199 की है और सिम फ्री है, बस आपको इसका पैसा देना पड़ेगा प्लान का। तो हम इस पर टैप करते हैं, हमें ये वाली सिम चाहिए। क्या हो गए, एक मिनट, जियो की सिम ये वाली ये चाहिए, ये ओपन नहीं हो रहा यार। हाँ हो रहा है। तो जैसे हमने इस पर टैप किया, अब ये ओपन हो रहा है, थोड़ा नेट स्लो है। तो अगर आपके पास कोई कूपन है तो कूपन डाल दो, और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको दिखाएगा कि आप जियो की सिम ले रहे हो, ठीक है, प्रीपेड ले रहे हो, उसमें क्या प्लान मिलेगा, क्या क्या मिलेगा वो सब बता रहा है। जियो का प्राइम तो 99 रुपये का आपको सबको पता है, वो 1 साल के लिए होता है, वो तो लगेगा। तो यहाँ पे अब आपको अपना पिन कोड डालना है, आपका पिन कोड क्या है, यहाँ पे आपका हाउस नंबर, फ्लैट का नंबर जो है, फिर बिल्डिंग का ब्लॉक, कौन से ब्लॉक में रहते हो, एरिया की लोकेलिटी क्या है, मतलब कहाँ पर पड़ता है ये, कौन सा सिटी है उस सिटी का नाम डालना है, और इसमें लैंडमार्क दे देना है, स्टेट दे देना है। सॉरी वो बैक हो गया यार, सॉरी सॉरी।
ठीक है, तो उसमें लैंडमार्क दे देना हमें, मतलब किस एरिया में पड़ता है, नियर बाय क्या है। और उसके बाद हमें नीचे आएंगे स्क्रॉल करके, तो फुल नेम डालना है यहाँ पे अपना, ईमेल डालना है अपना, मोबाइल नंबर डालना है, और सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। हमारे पास ओटीपी आएगा। आपको कब मंगाना है देखो, ये 9 बजे से लेके रात 10 बजे तक इसकी सर्विसेस होती है, ठीक है। रात 10 बजे तक नहीं, आप देख सकते हैं, सुबह 10 बजे से लेके रात 8 बजे तक होती है, ठीक है। तो अब आप मान लो आपको कब मंगाना है, आप उस दिन कर लो, और जब आप घर पे रहेंगे तो आप वो वाला टाइम सेलेक्ट कर लो। जैसे मैं 12 से 2 के बीच रहूँगा 23 अगस्त को, तो आप ये सेलेक्ट कर लो, आपको जो सही लगे आप वो सेलेक्ट करो। ये तो बस मैंने आपको ऐसे ही दिखाया है। फिर आप किस डॉक्यूमेंट से अपना वो लेना चाहते हैं, सिम कार्ड लेना चाहते हैं, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, या गवर्नमेंट एम्प्लॉय आईडी कार्ड, पासपोर्ट, अदर। तो सभी तो वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड से ही लेते हैं, तो इन दोनों में से एक भी सिलेक्ट कर लो आप, ठीक है। मैंने जैसे आधार कार्ड कर लिया, तो अब नीचे में आ गया कैश ऑन डिलीवरी या ऑनलाइन पे। अगर आप सोचते हैं क्या पता मैं ऑनलाइन पे करूं और वो ना आए, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप ऑनलाइन पे करोगे तो वो ज़रूर आएगा, ऐसा बात नहीं है इसका। आप देख सकते हो उसको 3-4 लाख से ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, तो मैं ऐसा कोई बात नहीं है, कोई फर्जी वाला बात नहीं है कि हम ऑनलाइन दे देंगे वो आएगा नहीं, ऐसा होता नहीं है। बट मैं फिर भी आपको बता दे रहा हूँ, आपके मन में कोई डाउट हो तो डाउट क्लियर हो जाए। तो हम मैं तो रिकमेंड करूँगा आप कैश ऑन डिलीवरी करो, जैसे बंदा, सॉरी, वो पर्सन आएगा तो आप उसे पैसा दे देना, हो जाएगा। और यहाँ पे इसे क्लिक करके आप ऑर्डर नाउ पे क्लिक करेंगे तो ऑर्डर हो जाएगा। तो अभी मैंने इन्फॉर्मेशन फिल नहीं करी है इसलिए ऑर्डर नहीं हुआ है। आप सारी इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे और ऑर्डर नाउ पे क्लिक करेंगे तो ऑर्डर हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही, और फिर मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ दोस्तों, जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, अगर अच्छी नहीं लगती तो डिसलाइक करें। दोनों ही केस में हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।